रायपुर में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के करोड़ों की जमीन पर अवैध प्लॉटिंग कर लोगों से धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया और इस पूरे मामले में आरोप रेलवे के कर्मचारियों पर लगा है। बता दें, डीआरएम दफ्तर से कुछ दूर गोंदवारा फाटक पर का क्षेत्र है, जहां रेलवे की जमीन पर कथित बिल्डर रेलवे कर्मचारियों ने अवैध कब्जा कर लोगों को प्लॉट बेच दिया। जी जो है इसे करीबन 20 साल पहले खरीदे थे। किससे खरीदे थे? कोई दास सुखराम नाम के साहू से खरीदे थे, ऐसे बता रहे थे। हाँ। क्या कोई डॉक्यूमेंट वगैरह दिए थे? हाँ, डॉक्यूमेंट है दिए थे। तो ये रजिस्ट्री जमीन है। अच्छा, कितने लोगों के नाम में होगा ये जमीन? 5 लोगों के नाम में है। कितना एरिया है ये? 9000 स्क्वायर फीट।